हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हमारी क्लास एट की प्रश्नावली 11.4। ठीक है, पहला क्वेश्चन जो है वो हमसे कह रहा है, आपको एक बेलनाकार टैंक दिया हुआ है, निम्नलिखित में से किस स्थिति में आप उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे, किस स्थिति में उसका आयतन ज्ञात करेंगे, किस स्थिति में उसका ठीक है ये पूछा गया है, आयतन और पृष्ठीय क्षेत्रफल कब ज्ञात करेंगे। तो तीन कंडीशन जो है वो हमारी दे दी गई है। ठीक है, टैंक अगर नहीं है पता है क्या होता है, टैंक हमारा समझ लो एक बेलनाकार आकार है या कुछ भी आप समझ सकते हो, कैसा भी टैंक हो सकता है। ठीक है, आयतन का मतलब क्या होता है कि पूरा उसमें, जैसे कि ये टैंक है इसमें कितना पानी आ सकता है। ठीक है, कितना पानी आ सकता है ये जो मात्रा तय की जाएगी आयतन से। ठीक है, अब ठीक है ये तो हमें पता चल गया, अगर इसमें पानी भरा जाए तो कितना पानी आ जाएगा वो आयतन होगा। ठीक है, पृष्ठीय क्षेत्रफल में क्या होगा कि मतलब ये जो हमारा टैंक बना है, ठीक है, इस टैंक को बनाने में अगर ये उसका है क्या बोलते हैं, लोहे का है, स्टील का है या किसी मटेरियल का है, इसको बनाने में कितना सामग्री लगी है तो बहुत पता चलता है पृष्ठीय क्षेत्रफल से। ठीक है, अब हम इसकी कंडीशंस देखेंगे फिर बताएंगे भैया किस में क्या लग रहा है। ठीक है, पहला जो क्वेश्चन है वो कह रहा है यह ज्ञात करने के लिए कि इनमें कितना पानी रखा जा सकता है। ठीक है, वही बात है, हमको अगर पता करना है कि कितना पानी रखा जा सकता है तो इसके लिए कितना पानी आएगा, इसके लिए हमें क्या ज्ञात करना होगा, उसका आयतन ज्ञात करना होगा। आयतन मतलब वॉल्यूम ज्ञात करना होगा हमें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो कह रहा है इसका प्लास्टर करने के लिए वांछित सीमेंट की बोरियों की संख्या, मतलब प्लास्टर भाई बॉडी पे होगी ना, ये जो हमारा टैंक है इसके बाहर की बॉडी जो है उस पे ही तो पेंट होगा, अंदर थोड़ी ना हमारा सीमेंट भर दिया जाएगा, भर दिया जाएगा तो पानी कहाँ रखोगे ना, ये अंदर से हॉलो होगा, मतलब कि अंदर से एक टंकी है तो खुली हुई होगी ना। ठीक है, खुली का मतलब नीचे से बंद होगी और अंदर से क्या बोलते हैं, जैसे कि नहीं हमारे ग्लास वगैरह होती है, खैर आपको पता होगा, मुझे समझाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो हमें इसका क्या निकालना पड़ेगा, पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, पृष्ठीय क्षेत्रफल यहाँ पे हम लिख देंगे। नेक्स्ट हमारा सी वाला क्वेश्चन है, इसमें भरे पानी से भरे जाने वाले छोटे टैंकों की संख्या, मतलब इसमें फिर से भरने वाली बात हो रही है, भरने वाली किससे, इससे भरे या इसमें भरे, तो भरने वाली जब बात होती है तो वहाँ पे काम आता है आयतन। ठीक है, वहाँ पे हम आयतन निकालते हैं। इस तरीके से पहला वाला क्वेश्चन तो हमारा कंप्लीट हो गया, अब करेंगे हम अपना नेक्स्ट वाला क्वेश्चन। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन को चलने से पहले हम आपको बता देते हैं, अगर आपको लाइव क्लासेस लेनी है, ठीक है, सिक्स क्लास हो, सेवन्थ क्लास हो, एट्थ क्लास है, ठीक है, तो हमारे चैनल पर विजिट करिएगा। ठीक है, आपको पता चल जाएगा कौन सी क्लास किस टाइम पे लाइव चल रही है। ठीक है, एक बार जाइएगा आपको पता चल जाएगा। साथ में आपको हमारे हैंड रिटन नोट्स लेने हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, हमारे प्ले स्टोर पर जाइएगा, ठीक है, अपने प्ले स्टोर पर जाइएगा, वहाँ पर जोजस स्टडी सर्च करें, चाहें आप NCERT, ठीक है, जो वो जस्ट डाल दो या कुछ भी डाल दो। ठीक है, हमारे ऐप का नाम है NCERT बुक्स एंड सोल्यूशन, आपको मिल जाएगा, लोगो देख लीजिए, वहाँ पे आपको ये हमारे हैंड रिटन नोट्स मिल जाएंगे। तो अब हमारा सेकंड क्वेश्चन ये कह रहा है बेलन ए का व्यास 7 सेंटीमीटर, बेलन ए ये है, ठीक है, हम आपको दिखा देते हैं, पहले चलो क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। ये वाला जो है बेलन ए है, ये हमारा बेलन टू है, और ऊँचाई जो है 14 सेंटीमीटर है। बेलन बी का व्यास 14 सेंटीमीटर, ऊंचाई 7 सेंटीमीटर, उल्टा है। परिकलन किए बिना क्या आप बता सकते हैं कि इन दोनों में किसका आयतन अधिक है, दोनों बेलनों का आयतन ज्ञात करते हुए इसका सत्यापन कीजिए, जांच कीजिए कि क्या अधिक आयतन वाले बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल भी अधिक है। हमें क्या करना है, इनका बताना है, बिना जाँच किए हमें बताना है कि इनका किसका आयतन अधिक है। ठीक है, मतलब हमें ऐसे ही बता देना है किसका आयतन अधिक है। फिर ये कह रहे हैं सत्यापन, अगर दोनों बेलों का आयतन ज्ञात करती हुई इसका सत्यापन भी कीजिए, मतलब हमें इसको प्रूफ भी करना होगा, फिर अधिक आयतन वाले बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना होगा, इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज़्यादा है या इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल, मतलब पृष्ठीय क्षेत्रफल वाला फॉर्मूला लगेगा। ठीक है, तो ये है हमारा ए वाला बेलन, ठीक है, जिसकी ये व्यास है, अगर त्रिज्या की बात की जाए तो वो हो जाएगी आधी, तो 7 का कर देंगे आधा, ये इसका व्यास है। ठीक है, अगर इसकी त्रिज्या की बात की जाए तो इसका आधा कर देंगे, मतलब 14 का आधा कर देंगे,
ये इसकी त्रिज्या है, ये इसकी ऊंचाई है इस वाले बेलन की, ठीक है, और ये इस वाले बेलन की ऊंचाई है, ठीक है। इस तरीके से हो गया। अब हम अपना काम शुरू कर देते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे बेलन ए का आयतन, ठीक है। और इन्होंने कहा है परिकलन नहीं करना है, मतलब आपको ऐसा नहीं करना है कि इतना बड़ा आप एक कोई बर्तन उठा ले आओ, इतना बड़ा कोई सेम साइज़ का बर्तन उठा ले आओ, आप इसमें नापो उसमें नापो फिर देखो कि क्या किसमें पानी ज़्यादा आ रहा है, इस तरीके से नहीं करना है। हमें सिंपल से फार्मूला लगाना है, ठीक है। तो फार्मूला हमारा क्या, बेलन का फार्मूला हमारा आयतन का होता है पाई आर स्क्वायर एच। बेलन का आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। पाई की वैल्यू हमेशा क्या होती है, 22/7, कई बार आपको बताई है। आर हमारा कितना है, 7 है ना, ठीक है, 7/2 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा 7/2 भाई, देखो व्यास जो है कितना है, 7 है ना, तो इसकी त्रिज्या आर जो है वो हमारा क्या हो जाएगा, 7/2। तो यहाँ पे लिख देंगे 7/2, स्क्वायर है ना तो दो बार लिख देंगे 7/2। एच जो है वो हमारा कितना है, 14 है, ठीक है, इतना हो गया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, काटेंगे पीटेंगे, 7 से 7 कट गया, 2 7 14 कर दिया, ठीक है, 2 1 2 और 11 2 22 होता है, नीचे तो हमारे पास कुछ नहीं है, ठीक है। अब 11 7 और 7 की गुणा करेंगे, ठीक है, 11 7 77 और गुणे में एक और 7 है, सो 7 1 7 7 49 7 49 और 4 कितना हो जाएगा, 53, ठीक है। ये सारी हमारी जो यूनिट है वो सेंटीमीटर में है, आयतन निकाल रहे हैं तो क्यूब जरूर लगेगा, ध्यान रखना क्यूब नहीं लगाओगे तो गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है, और क्षेत्रफल निकाल रहे हैं तो स्क्वायर लगेगा, ये बात ध्यान रखिएगा। बेलन एक आयतन निकल गया, अब हम क्या करेंगे, बेलन टू जो है हमारा, ठीक है, बी वाला, उसका आयतन निकालेंगे, ठीक है। आयतन बेलन टू का आयतन सेम फॉर्मूला हमारा रहने वाला है पाई आर स्क्वायर एच। पाई की भी वैल्यू हमेशा वही रहती है 22/7। आर जो होता है वो हमारा क्या है, 14 है हमारा यहाँ पे व्यास है, अगर आर की बात की जाएगी तो इस 14 का आधा हो जाएगा, मतलब 7 हो जाएगा, 2 2 2 7 14 तो 7 हो जाएगा, 7 और स्क्वायर है ना, 2 बार 7 हो जाएगा, इसकी ऊंचाई भी हमारी 7 ही दी गई है, तो 7 से 7 कट गया, ठीक है। तो हमने देखा कि यहाँ पे भी यहाँ पे क्या हो रहा है, 7 × 14 और 7 × 14 15 और इसकी गुणा हमें 7 से करनी है, 7 × 4 = 28, 2 हासिल, 7 × 5 = 35 और 2 = 37, 3 हासिल, 7 × 7 = 3 = 10, ये इसका आयतन आया है, ठीक है। इसका आयतन आया है, ए वाले का आयतन है 539 सेंटीमीटर क्यूब और बी वाले का आया है 1078 सेंटीमीटर क्यूब, मतलब पानी किस में ज़्यादा आ रहा है, इसमें ज़्यादा पानी आ रहा है, साफ साफ पता चल गया, ठीक है। अब हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, इन्होंने पूछा था किस में, मतलब किसका आयतन अधिक है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे बेलन बी का आयतन अधिक है, ठीक है, ये हमने इनका आंसर दे दिया। फिर उन्होंने कहा है कि भाई जांच कीजिए कि अधिक आयतन वाले बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल भी अधिक है, मतलब दोनों के हम अब हमें क्या निकालने पड़ेंगे, पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने पड़ेंगे, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे बेलन ए का पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, अगर आपको याद नहीं है तो कोई बात नहीं, हम आपको बता देते हैं, पाई आर इंटू 2h+r, ठीक है। ये ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि ये ऊपर से खुला हुआ है, ठीक है, ये जो है हमारा क्या है, एक टंकी है जो ऊपर से खुली हुई है नीचे से बंद है, ठीक है, ये इस टाइप का बेलन है। अगर ऊपर से भी बंद होता तो इसका फॉर्मूला कुछ और हो जाता है, ठीक है। अगर ऊपर से खुला है होता है एक साइड से तो उसके पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है पाई आर इंटू 2h+r, ठीक है, इतना हो गया। क्योंकि अगर दोनों तरफ से खुला उसका फॉर्मूला होता है 2πrh,
ठीक है, एक तरफ से बंद है तो पाई आर स्क्वायर हो गया, तो कॉमन ऑमन लेने के बाद हमारा ये फॉर्मूला बनता है। ठीक है, अगर आपको समझना है तो मैं आपको डिटेल में समझा देती हूँ। देखो भाई, हमारा ये क्या है, एक बेलन है जो दोनों तरफ से इधर भी खुला है इधर भी खुला है, सिर्फ एक पाइप है। तब हमारा पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 2πRH। ठीक है, ये हमारा बेलन है ना, तो ये जो बेस है और ऊपर वाला ये जो है, ठीक है, दोनों ही हमारे एक सर्कल में होंगे। सर्कल में होंगे मतलब एक गोला है, तो अगर हमारा मान लो एक तरफ से बंद है तो इसका भी हमारा क्षेत्रफल लगेगा, तो इसका फॉर्मूला हमारा क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर। ठीक है, अब हम क्या करेंगे भाई, पाई आर इधर भी है पाई आर इधर भी है, तो पाई आर हम ले लेंगे कॉमन, तो हमारे पास क्या बचा, 2h बचा, और इधर एक आर बच गया क्योंकि दो आर थे, तो यही हमारा फॉर्मूला निकल के आया है। ठीक है, इस तरीके से ये हमारा फॉर्मूला आया है। अब क्या करेंगे, हम सारी वैल्यूज रखेंगे, 2 22/7 गुणे में आर की वैल्यू हमारी कितनी है, ए की बात हो रही है तो आर की वैल्यू है 7/2, तो 2h, h जो है 14 है, r जो है 7/2 है। ठीक है, तो 7 से 7 कट गया, 2 1 2 11 2 22, तो ये हमारा क्या आ जाएगा, और यहाँ पे कुछ तो फिलहाल कटेगा नहीं, तो हम यहाँ पे 11 लिख देते हैं और 14 2 28, 28 + 7/2, ठीक है, इसको जब सॉल्व करेंगे हमारा 63/2 आएगा। आपको हम सॉल्व करके भी दिखा सकते हैं, तो हमारा 14 2 28 हुआ प्लस 7/2, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, कैंची गुणा कर लेते हैं, इसके नीचे कुछ नहीं है एक, मान लो इसकी गुणा इससे कर लो, इसकी गुणा इससे कर लो, और इनकी आपस में गुणा कर लो, इनकी आपस में गुणा हुई 2 आया, 28 2 हमारा क्या होता है 56, और 1 7 7, ठीक है, 7 6 हमारा कितना हुआ, 6 6 12 1 13, और 1 6 63/2 आ गया। ठीक है, तो ये गोड़े में हम यहाँ पे 63/2 लिख देंगे, कुछ कटेगा पिटेगा नहीं। ठीक है, तो इसको हम सॉल्व जब करते हैं तो हमारा आंसर आएगा पॉइंट में, क्योंकि कुछ कट नहीं रहा है। 11 और 63 की गुणा करके दिखा देते हैं आपको, ठीक है, हमें ऐसा करना है सॉल्व। तो हम क्या करते हैं, चाहे तो इसको भाग कर लेते हैं, 2 3 6 2 1 2 2 5 10, और 11 की गुणा 11 5 55, 5 6 11 1 11, 11 और 5 हमारा हो गया 16, 1 6 11 3 33 और 1 34, तो 346.5 आता है। यहाँ पे लिख देंगे 346.5 क्षेत्रफल है तो सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से बेलन ए का पृष्ठीय क्षेत्रफल ये आया। अब हम बेलन बी का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे। अब हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, बेलन बी का पृष्ठीय क्षेत्रफल, फॉर्मूला हमारा वही सेम रहने वाला है, पाई आर इंटू 2h + r, पाई की वैल्यू वही 22/7, और r की वैल्यू हमारी क्या थी इसमें 7 थी, 2h की वैल्यू भी 7 थी, r की वैल्यू 7 थी, ये 7 से 7 कट गया, यहाँ पे 22 आ गया, 7 2 14 और 7 21, ठीक है, गुणा कर देंगे, 21 2 42, 4 6 21 2 42 और 4 46 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, क्षेत्रफल निकालेंगे तो स्क्वायर लगेगा, आयतन निकालेंगे तो क्यूब लगेगा, ये ध्यान रखना है भाई। इसका क्षेत्रफल 346 है, इसका 462 है, कौन ज़्यादा है, ये ज़्यादा है ना, इसमें आयतन भी ज़्यादा था, इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल भी ज़्यादा है। ठीक है, मतलब जिसका आयतन, इससे हमें क्या प्रूव हुआ, इन्होंने कहा था सत्यापन कीजिए कि ऐसा होता है कि जिसका आयतन ज़्यादा है उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल भी ज़्यादा होगा, तो अब हमें यही पता चल गया है। तो इसका मतलब क्या हुआ, जिसका आयतन अधिक है उसका पृष्ठफल पृष्ठीय क्षेत्रफल भी अधिक हुआ, तो हम यहाँ पे लिख देंगे हाँ, जिसका आयतन अधिक है उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल भी अधिक है। ठीक है, इस तरीके से हम
लिख देंगे आंसर को। तो क्वेश्चन नंबर टू भी हमारा कंप्लीट हो गया है, अब करेंगे अपना क्वेश्चन नंबर थ्री। तो अब करेंगे अपना क्वेश्चन नंबर थ्री। ये कह रहा है एक ऐसे घनाभ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए जिसके आधार का क्षेत्रफल 180 सेंटीमीटर स्क्वायर और जिसका आयतन 900 सेंटीमीटर क्यूब है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, ऊंचाई ज्ञात करना है। हमें हमारे पास क्षेत्रफल भी है, आयतन भी है। बहुत ईजी हो जाएगा क्वेश्चन, दिखने में भले ही टफ लग रहा हो। देखो भाई, हम यहाँ पे लिखेंगे कि हमारा क्या है, घनाव की बात की जा रही है ना, तो इन्होंने घनाव की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, और इन्होंने कहा है कि आधार का क्षेत्रफल। भाई हमारा घनाव क्या होता है, तो घनाव जो होता है कुछ इस तरीके से होता है। ठीक है, इस तरीके से होता है, ये इसकी L है, ये इसकी B है। अगर इसकी बात की जाए तो ये H होती है। यही हमें ज्ञात करनी है, ये हमें इसका क्षेत्रफल जो ये पता तो नहीं है ना हमें। ठीक है, ये क्या है, ये कितनी है, ये नहीं पता है। पर ये जो पृष्ठ दिया गया है ये होता है आधार, नीचे वाला। ठीक है, जो हिस्सा होता है वो होता है आधार, और इसका क्षेत्रफल पता है। तो ये है हमारा घनाभ है। घनाभ किससे बनता है, कई सारे आयत को मिला के हमारा घनाभ बनता है। मतलब ये वाला पृष्ठ है जो, ये कैसा हो गया, आयत है ना। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे घनाभ के आधार का क्षेत्रफल। तो आयत के आकार का है ना, तो इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, यही होता है ना, एल इंटू बी। और ये हमको दिया है 180 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ठीक है, एल बी हमको पता है इतना है। फिर उन्होंने बोला है इसका आयतन, तो हम यहाँ पे लिख देंगे घनाभ का आयतन। ठीक है, घनाभ का आयतन क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, ये होता है। ठीक है, एल बी एच होता है, जो कि है 900 सेंटीमीटर क्यूब। एल बी है इतना, एल बी एच है इतना, बस हम निकाल सकते हैं आसानी से। तो हम यहाँ पे एल बी की जो वैल्यू है 180 को यहाँ पे रख देंगे। ठीक है, हम यहाँ पे लिख देंगे, इसलिए क्या चाहे तो आप लिख सकते हो, एल इंटू बी का मान आयतन में, चाहे तो ये भी लिख सकते हो, चाहे तो डायरेक्ट ही लिख दो। ठीक है, तो एल बी का मान है 180 और एच तो है ही। ठीक है, और 900 यहाँ पे लिख दो, क्योंकि इसकी वैल्यू जो है 900 है ना, तो 10 से 10 काट दो। ठीक है, 18 एकम 18, 18 5 90, 5 बार आया है। तो एच की वैल्यू जो है वो हमारी कितनी आ गई, 5 आ गई। अब सारी चीज़ें जो हैं सेंटीमीटर में है, मीटर में है, सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर लिख दो, मीटर में हो तो मीटर में लिख दो। तो हमारी ऊंचाई कितनी आ गई है, 5 सेंटीमीटर आ गई है, ये हमसे पूछा गया था, और ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन नंबर थ्री हमारा कंप्लीट हुआ। अब करेंगे अपना क्वेश्चन नंबर फोर। ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर फोर। ये कह रहा है एक घनाभ की विमाएँ 60 सेंटीमीटर 54 सेंटीमीटर 30 सेंटीमीटर हैं। इस घनाभ के अंदर 6 सेंटीमीटर भुजा वाले कितने छोटे घन रखे जा सकते हैं। ठीक है, मतलब एक घनाभ, बड़ा घनाभ ये है, उसके अंदर 6 सेंटीमीटर भुजा के हमें क्या रखना पड़ेगा, घन रखना पड़ेगा। ठीक है, अगर नहीं समझ में आता तो आपको एग्जांपल हम इस तरीके से समझा सकते हैं। मान लो ये क्या है हमारा, एक बहुत बड़ा घनाभ है। ठीक है, और जिसकी बीमाई कितनी है, मान लो एल जो है, मान क्या ले, इन्होंने दी रखी है ना 60 सेंटीमीटर। बी जो है 54 सेंटीमीटर है। एच जो है 30 सेंटीमीटर है। ठीक है, ये वाली। अब इसके अंदर हमको क्या रखने हैं, छोटे छोटे घनाभ रखने हैं। ठीक है, अब हमको बताने हैं कि इन घनाभों को की संख्या कितनी है। अब हमको तो पता नहीं है, तो वही संख्या जो है वो हमें निकालनी है। हम क्या रख रहे हैं, घन रख रहे हैं। ये बॉक्स कैसा है, घनाभ के आकार में है, ये बात ध्यान रखना। ठीक है, हम रख तो घन रहे हैं, पर हमारे पास बॉक्स की जो आकृति है वो है घनाभ की। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, और इनकी जो विमा दे रखी है सबकी 6 सेंटीमीटर है। ठीक है, इतना दिया गया है बस। हम यहाँ पे लिखेंगे घनाभ का
आयतन, आयतन निकालना पड़ेगा क्योंकि हम इनके इसके अंदर ये भर रहे हैं ना, भरने का काम कर रहे हैं, तो आयतन तो निकालना ही पड़ेगा, जो होता है एल बी एच। अभी हमने आपको बताया था पिछले क्वेश्चन में, 60 × 54 × 30 देखो कैसे गुणा करेंगे, 6 × 3 = 18, 1800 हो गया। 18 की गुणा हम 54 से करेंगे तो हमारा क्या आएगा, ठीक है, चाहे तो आप गुणा कर लो बेस्ट है, पर मेरे हिसाब से आप गुणा मत करो क्योंकि हमें काटना पीटा पीटना होगा, तो थोड़ा अगर हम नहीं गुणा करेंगे तो इजी हो जाएगा। कैसे, अगर हम गुणा कर देंगे फिर हम काटेंगे, थोड़ा सा मतलब टाइम टेकिंग हो जाएगा, तो आप अभी मत काटो, ठीक है। घन आपका आयतन हो गया, अब हम यहाँ पर लिखेंगे घन का, एक घन का आयतन, ठीक है। तो घन का आयतन क्या होता है, भुजा क्यूब होता है, ठीक है, भुजा क्यूब, भुजा हमारी 6 दी गई है, 6 का क्यूब मतलब 6 × 6 × 6, इसको भी मत काटो, हमको संख्या बतानी है ना। तो इसका एक फॉर्मूला होता है, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, अब क्वेश्चन जो है आपका बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना। तो हम यहाँ पे लिखेंगे छोटे घनों की संख्या क्या हो जाएगी, फॉर्मूला होता है हमारा, घन दिया होता है तो घन का आयतन लिखते, घनाभ दिया है तो यहाँ पे लिखेंगे घनाभ का आयतन, ठीक है, बटे में एक घन का आयतन, आयतन, ठीक है। क्वेश्चन पर आगे बढ़ने से पहले हम आपसे बोलना चाहते हैं, अगर आपको हमारा पढ़ाना अच्छा लग रहा हो, क्लास पसंद आ रही हो, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे भाई, नीचे लिख लेते हैं, घनाभ का आयतन हमारा क्या था, 60 × 54 × 30, एक घन का आयतन था, 6 × 6 × 6 काटेंगे, 6 × 10 = 60 और 6 × 5 = 30, ठीक है, और 6 × 54 तो हमारे पास क्या आया है, 10 × 9 × 5 गुणा कर देंगे, 90 मतलब 5 × 45 450 आ जाएगा, ठीक है, ये हमारे आ जाएंगे घन, इतने घन होंगे जाके, संख्या क्या आएगी 450, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया, अब नेक्स्ट वाली क्लास में बाकी पूरी एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी, तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा।